आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। शांत हो जाइए, दो मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। मोकामा में आयोजित इस चुनावी सभा के सम्मानित अध्यक्ष मीना जी, इस सभा के संचालनकर्ता यहाँ के जाने माने विद्वान अधिवक्ता प्रेम प्रकाश जी, जितेंद्र कुमार जी, जयकांत सिंह जी, अनिल सिंह जी, सरदार गुरजीत सिंह जी, कांग्रेस के सम्मानित नेता विजय बाबू, विनोद रजक जी, कार्तिक जी और हम लोगों के पुराने मित्र बड़हिया के रामानुज भाई, मोकामा के सभी बुजुर्ग अभिभावकों, नौजवान मित्रों, प्रेस के साथियों, देवियों एवं सज्जनों, आज बिहार विधानसभा का चुनाव के पहले चरण जो 28 तारीख को निर्धारित है वो होना है। मैं अभी नवादा से चल के राहुल जी और तेजस्वी जी की ज्वाइंट मीटिंग थी, उस मीटिंग से चल के आपके बीच पहुंचा हूं और मैं यहां आना चाहता था। आना इसलिए चाहता था कि मोकामा हम लोगों के परिवार का जानदार, शानदार और सबसे असरदार जगह है। ये कभी भी हम लोगों के झंडा को नीचे झुकने नहीं दिया है आप लोगों ने, हम आपको प्रणाम करते हैं। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में एक विशेष परिस्थिति थी, अनंत सिंह को सभी लोग हराना चाहते थे, लालू जी की भी शक्ति मिली हुई थी, नीतीश जी भी मिले हुए थे। ये एक जो छोटा मोटा नेता है, हम उनका नाम नहीं लेते हैं कभी, जो बराइल हैं और पिकदान उठाने का काम करते हैं, पिकदानी सिंह हम नाम रखे हुए हैं, ये सब मिले हुए थे। लेकिन मोकामा की बहादुर जनता ने सबको धत्ता बताते हुए पुनः अनंत सिंह को विधानसभा में भेजने का काम किया, इसलिए मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूं। आज तो कांग्रेस पार्टी साथ है, आज तो लालू यादव का जी का भी शक्ति साथ में है, आज तीनों कम्युनिस्ट पार्टियां साथ में हैं, तो यहां अनंत सिंह को जीतने से कौन रोक सकता है? मैं अच्छी तरह से ये बात जानता हूं, कोई कुछ कर ले पत्थर पर धूप नहीं जमने वाला है। और तुम आके यहां कहते हो कि वो रावण है, रावण तुम लोग हो। आज सप्तमी का दिन है और जिस अहंकार में जी रहे हो तुम लोग, उस अहंकार का सफाया होने वाला है। अहंकार जनता की अदालत में, जमहूरियत में जनता मालिक होती है और जब जनता तय कर लेती है तो बड़े बड़े लोग ऊपर से नीचे चले आते हैं। और इस बार नीतीश कुमार को पता चलने वाला है 5 तारीख के बाद वो पूर्व मुख्यमंत्री, आप भी कहे जाइएगा, मुख्यमंत्री का सपना देखना बंद करिए। हम लोग जिस समाज से आते हैं बर्मरसी समाज का, जिसने भी अपमान किया वो बिहार में सरकार नहीं चलाया। और तुमने अगर अपमान और उपेक्षा करने का काम किए हो तो यहां अब तुम्हारी सरकार आने वाली नहीं है, ये मैं मोकामा के धरती पर कह के जाता हूं। और अनंत सिंह को आप भले जेल में डाल दिए हो, लेकिन मोकामा में हर घर में अनंत सिंह है, मोकामा विधानसभा के हर टोले में अनंत सिंह है, हर कस्बे में अनंत सिंह है। और यही हम आपको आज कहने आए हैं
कि अनंत सिंह को इतना वोट से जिताइए जितना वोट से आज तक बिहार में कोई नहीं जीता था। हम यही आपको संकल्प जलाने आए हैं। नवरात्रा में सभी हम लोगों को ये संकल्प करने का पर्व है। आज यही संकल्प लेके जाइए कि इतना वोट से कोई नहीं जीता होगा जितना वोट से अनंत सिंह को जिताना है। यहाँ तो लड़ाई में कोई है नहीं। और जो भी पिछले लोकसभा चुनाव में जिसके दरवाजे पर वो गया आज पश्चाताप करके बैठ रहे होंगे, क्या हुआ? ललन अच्छा आदमी थे, मोकामा वाले। हम लोग समझते थे कि शायद उनको टिकट दे देगा, लेकिन ये फ्रॉड आदमी है। हर आदमी को यूज करता है और फिर यूज करके फेंक देता है बाहर। इससे बच के रहिए। आने वाले समय में आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, संसद में उस आदमी को भेजने का काम किया। ये आदमी घर बैठने वाला है, संसद में बैठने वाला नहीं है। हम गुजारिश करेंगे जब भी इस आदमी को घर बैठाइए। ये बेगूसराय को ठगा है, ये मुंगेर को भी ठग रहा है, मोकामा को ठग रहा है और पूरे समाज को अपमानित करने का काम करता है। ऐसे लोगों को घर पे भी बिठाने का काम नहीं करना चाहिए। ये हम करने आए और इसीलिए हम मोकामा आए हैं जानबूझकर कि इससे डरने का जरूरत नहीं है। इससे डरपोक आदमी बिहार में कोई नहीं है। इस और ये झूठ झूठ का शेर का खाल ओढ़ के शेर बनने का कोशिश करता है। ये बकरी है, बकरी। ये आप लोग समझ लीजिए। मोकामा के साथियों को हम कहने आए और हमको ज्यादा कुछ कहना नहीं है। हम केवल ये कहने आए हैं कि आज हम आपका भाई, आपका भतीजा या किसी का चाचा भी लगते होंगे अनंत सिंह, अगर वो जेल में है तो पूरी जिम्मेवारी मोकामा के लोगों की है, हम लोगों की है कि उस आदमी को रिकॉर्ड मतों से जिताकर भेज वहां विधानसभा में भेजकर ये संदेश देने का काम बिहार सरकार को करना है कि बिहार सरकार आपने गलत किया, हम आपके गलती को यहां से रिकॉर्ड मतों से जिताकर सुधारने का काम करेंगे। और प्रजातंत्र और जमहूरियत का जो इंस्टीट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उस संविधान को बचा के रखना है, अनंत सिंह को जिताना है। पुनः आप सबों से मिलने का अवसर पाकर आपको धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं और फिर से ये निवेदन करता हूं कि यहां से संकल्प लेके जाइए कि हर घर में उस दिन एक अनंत सिंह हो, हर बूथ पर अनंत सिंह के लिए खड़ा हो जाइए और इतना वोट से जिताइए जितना वोट से आज तक बिहार में कोई जीता नहीं हो। यही कहने हम आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।